हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश आईटीवाला पे। आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं कंप्यूटर के पार्ट्स या कंपोनेंट्स, मींस कंप्यूटर के भाग क्या होते हैं। जिसके पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स का 6वां दिन आज चल रहा है, 6वीं क्लास है, जिसके अंदर कंप्यूटर के भाग के बारे में डिटेल में बातें करूँगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं इस वीडियो के आगे। कंप्यूटर मुख्यतः बात करूँ दो भागों से मिलकर बनता है, मीन्स दो पार्ट से मिलकर बनता है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हार्डवेयर और सेकंड आता है सॉफ्टवेयर। और इस वीडियो के अंदर मैं हार्डवेयर के बारे में बातें करूँगा और सॉफ्टवेयर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बातें करूँगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके प्रकार के बारे में। तो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख और स्पर्श कर सकते हैं, और जो कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने और कंप्यूटर से आउटपुट डाटा को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। मीन्स हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम देख सकते हैं और साथ ही साथ छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। और ये डाटा को इनपुट करने और आउटपुट देने के काम आता है। अब कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर ये हैं जिनमें से मैं इस वीडियो में बातें करने वाला हूँ, मॉनिटर के बारे में, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, सीपीयू के बारे में, साथ ही साथ हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में, प्रिंटर के बारे में, मतलब कुछ मेन मेन कंप्यूटर के पार्ट हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं मॉनिटर की बात करूं। मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे मेन भाग होता है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम आउटपुट देख सकते हैं, मतलब जो भी हम काम करते हैं इसके थ्रू ही हम स्क्रीन पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और हम जो कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे होते हैं यह उसको स्क्रीन में दिखाने का काम करता है मॉनिटर। माउस क्या होता है, माउस के जरिए हम कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर में किसी भी चीज़ पर क्लिक करना चाहते हैं तो वह माउस के जरिए ही संभव है। मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, सिंपल भाषा में बोलूँ, तो माउस एक इनपुट डिवाइस होता है ना, जिसमें 3 बटने होते हैं, एक दो और एक स्क्रॉल व्हील होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं क्लिक करके माउस के थ्रू। और थर्ड पार्ट की बात करूँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर में का ये भी एक, मतलब बोलूँ तो सिंपल भाषा में एक है ना, ये इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, और साथ ही साथ इसके थ्रू हम कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को लिखने का काम करते हैं, हिंदी टाइपिंग या तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए करते हैं। और साथ ही साथ कीबोर्ड से हम बहुत से कार्य कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए, इन सारी चीज़ों के हम लोग काहे के उपयोग करते हैं कीबोर्ड का। और कीबोर्ड बहुत ही मेन पार्ट है, इसके अंदर 104 से लेकर 108 बटने होती हैं। और इसके बारे में मैं अलग से भी वीडियो बना के डालूंगा कीबोर्ड के बारे में, डिटेल्स है ना, बताऊंगा कीबोर्ड होता क्या है और कितने टाइप्स की बटने होती हैं और कौन सी बटन का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं बातें करूँगा, इसके आगे वीडियो आएगा उसके अंदर। और साथ ही साथ सीपीयू की बात करूँ, सीपीयू ये मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो प्रोसेसर, इसका फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, मतलब कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये कभी कभी कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब या किसी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है, तो सीपीयू बोला जाता है। ये सभी काम को करने का है ना, सभी कार्य करता है कंप्यूटर का। मेन सिंपल भाषा में बोलूँ कि ये जो भी हम लोग कंप्यूटर के कीबोर्ड या माउस से जो भी हम इनपुट देते हैं, वो सारी चीज़ों को प्रोसेसिंग करके देन फिर हमें मॉनिटर के थ्रू है ना मिलता है। मीन्स इसका मेन काम क्या है, प्रोसेसिंग करना, सीपीयू का मेन सिंपल भाषा में यूज। और मदरबोर्ड की बात करूँ तो मदरबोर्ड का एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मदरबोर्ड का भाग है जिसके अंदर सभी पार्ट जैसे सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड आदि जैसे चीज़ों को कंप्यूटर में जोड़ने का काम करता है। मीन्स इसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक साथ सभी को जोड़े रखता है। मीन्स और हार्ड ड्राइव की बात करूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव के, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। मीन्स इसी के अंदर जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है, ये कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, मीन्स एक इम्पोर्टेंट भाग होता है जिसमें डाटा लंबे समय तक स्टोरेज रखा जा सकता है। अगर इसकी भी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। और रैम की बात करूँ, रैम का फुल नेम होता है रैंडम एसेस मेमोरी, और साथ ही साथ यह कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग करने की सुविधा प्रदान करता है। इसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रैम के बारे में भी आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा, रैम रोम क्या होता है। और लास्ट बात करूँ प्रिंटर की,
प्रिंटर हम सभी लोगों ने देखा होगा आई होप। प्रिंटर ये आपको कंप्यूटर में किसी भी ज़रूरी फाइल की हार्ड कॉपी निकालनी होती है तब हमें प्रिंटर को यूज करते हैं। मीन्स कोई भी अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स या फाइल बनाई हुई है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो उसकी अगर हार्ड कॉपी मुझे निकालनी होती तो हम प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं। और स्पीकर, स्पीकर की बात करूँ, स्पीकर हम सभी ने देखा होगा, स्पीकर कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की वीडियो या ऑडियो सुनना चाहते हैं तो उस वीडियो या ऑडियो की आवाज़ को कंप्यूटर से बाहर सुनने के कार्य जो करता है उसे हम क्या कर बोलते हैं, स्पीकर। मीन्स सिंपल भाषा में किसी भी ऑडियो या वीडियो की साउंड को सुनने, मतलब आवाज़ को सुनने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, स्पीकर का यूज करते हैं। हम लोग सभी लोगों ने घर में देखा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये वीडियो छोटा सा था और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। इसके पहले ज़रूर सभी लोग सब्सक्राइब करके रखें। एंड थैंक यू सो मच अगेन।